तुम लोगों को तो नहीं पता भाई, यहाँ बड़ा साफ सुथरा लग रहा है। कतई सन्नाटा है भाई। पता ऐसे यूजुअली ना जहाँ पे मैं रहता हूँ कचा कच दिन भर चिक चिक पे पे पो पो, अभी मस्त है। और हाँ, मैं जा रहा था ऑर्डर लेने, क्योंकि भैया देखो आज गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया, वैसे पहले भी किया था, कि खाने की डिलीवरी होगी, सो एटलीस्ट भूखे नहीं मरेंगे। बट द वर्स्ट पार्ट इज बहुत महंगा मिल रहा है यार, बहुत महंगा। सर आप हमारे ब्लॉग में भी आ रहे देख रहे हो भाई सर, भूख भूख क्या ना करा दे, आज तो पिज्ज़ा खाएंगे। भाई देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लॉकडाउन का एक फ़ायदा तो हुआ है, शांति, नेचर बढ़िया है, बादल खुले हैं, आज बाहर धूप भी अच्छी लग रही थी, सो दैट इज़ अ गुड पॉइंट। नो सी ऑन द ब्राइटर साइड। ये तो इसको करना, कोई कस्टमर ये फूड डिलीवरी में इतनी मेहनत, मतलब लुक एट द साइज, नहीं मैं अकेले नहीं खाऊंगा भाई, फ्लैट पर बाकी दो लोग भी हैं, मतलब मैं तो खा सकता हूँ बट नहीं, बाट बाट लेना चाहिए, मन तो नहीं है, मन कर ही बैठे खा जो, बट बाट लेते हैं। बच्चों डैडीज होम, जुलिया अरे खोलो, हेलो हमारे घर से अरे खोलो चचा, उज्जवल फकिंग ब्रो, भाई आज गेट में इनका पिज्जा में दे नहीं यार इनको, मैं क्यों लूट लूं मैं बेकार में। ओके खुशी देखो चेहरे पे, ओ माय गुडनेस पिज्जा की खुशी। अरे चलो घंटा नहीं, आई डोंट इवन रिमेंबर लास्ट टाइम मैंने नोएडा में इतना अच्छा वेदर कब देखा था, वो भी इतना फ्रेश, मतलब गुड क्लीन एयर, मतलब इस टाइम पता ही गर्मी हो जाती है। चलो पॉजिटिव साइड ऑफ बीइंग ऑन लॉकडाउन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग, सबके कमेंट आ रहे हैं,
अरे पूछ लो यार, कुछ इंटरेस्टिंग पूछ लो व्लॉग के लिए कंटेंट। बहुत खाली हूँ मैं, आई होप आप सब भी होंगे। यार ये क्या टट्टी गाना बज रहा है बैकग्राउंड। पूछो पूछो। अपुन इज इन ब्लॉग। हाँ शुभ ब्रो, यू आर इन द ब्लॉग। डिलीवरी ऑफ भाई सेड भाई, खाने की डिलीवरी कम्स अंडर एसेंशियल सर्विस, तो उसके लिए मैं भी आएगा ब्लॉग में। भाई आ गए भाई, जाहिद भाई आप भी ब्लॉग में आ गए। पूछा तो क्या पूछा भाई, सॉरी मुझे स्क्रॉल करना पड़ेगा थोड़ा सा। कोलैब कब होगा? कोलैब पता नहीं यार, भाई बाहर निकल ले वही बहुत बड़ी बात है। कोलैब को तो आई डोंट नो ब्रो। इससे अच्छा सॉन्ग है तो एक क्वेश्चन, मतलब हमें तो मुझे सॉन्ग चेंज करने के लिए बोले हैं तो क्वेश्चन पूछने वाला है या कोई सॉन्ग सजेस्ट करने वाला है। बिग फैन एंड आई नो आज के वीडियो में कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं था, इट वॉज जस्ट अ रैंडम वीडियो आई रिकॉर्डेड, जस्ट सम रैंडम थिंग्स। बट एक ब्रो टू ब्रो टॉक करूँ, आज का दिन ना एक्चुअली वैसे ही स्टार्ट हुआ नॉर्मल था सब कुछ था, बट बोलते हैं ना नो मैटर हाउ मच यू सी मी ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब, मैं इतना बोलता रहता हूँ, हरकतें करता रहता हूँ, मस्ती मरता रहता हूँ, बट डीप इन व्हेन द कैमरा इज ऑफ ना आई अगेन फील लाइक कि एम आई यू नो लाइक am I actually around with people, मतलब कैसे बोलूँ उसको, I kind of feel like, मतलब I don't know आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं, but most of the time even if when I'm with people ना I feel kind of कि I'm not there or I'm unwanted or anything, तो आज वो type की feeling आई थी, तो मेरा mood भी कुछ था नहीं कुछ ज़्यादा हरकतें करने का, so I decided not to record that much and और क्या यार, आज थोड़ा था, आज मेरा मूड वॉज नॉट काइंड ऑफ दैट गुड एज yesterday. yesterday वाला ब्लॉग वॉज टू मच फन, तो आज का ब्लॉग इसी नोट पे ख़त्म करते हैं। उसको याद द पॉजिटिव साइड ऑफ द लॉकडाउन, मुझे अपने बारे में सोचने का बहुत टाइम मिल रहा है, कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल रहा है, बट इट जस्ट डे थ्री, बहुत दिन बाकी हैं। आई गेस डे थ्री डे फोर आई डोंट इवन रिमेंबर वॉट डे इट इज, आई गेस इट्स फ्राइडे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो यार मतलब अगर आप अभी तक ब्लॉग देख रहे हो तो अब क्या कर सकते हो, वैसे भी आज के टू बी एरियर आज के ब्लॉग भी कुछ था नहीं, इसको एडिट भी मैं जल्दी जल्दी बस क्लिप्स कट पेस्ट करके अपलोड कर दूंगा, तो आई विल सी यू टुमारो, पीस।